राजस्थान के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कौन नहीं जानता। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में प्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील रही ऐसी शख्सियत को उनकी पुण्यतिथि पर हमारा नमन। राजस्थान के गौरव पुत्र कहलाने वाले मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जून 1903 को भिलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ। विनोदी लाल भार्गव के दत्तक पुत्र बने भार्गव ने प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा से पूरी की, फिर ब्यावर के मिशन स्कूल से मैट्रिक पास की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी करने के बाद उन्होंने 1927 में बेवर से वकालत की शुरुआत की। अजमेर और देश के महत्व को आगे बढ़ाने वाले भार्गव वकालत के दौरान मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1930 में कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद वे 1951 से 1967 तक 3 बार अजमेर से सांसद चुने गए। उनके बाद 1968 और 71 के चुनाव में उनके भतीजे विश्वेश्वर नाथ भार्गव अजमेर से सांसद बने। आज हम बात करने जा रहे हैं अजमेर के एक ऐसे बेटे की जिसके बारे में अजमेर के लोग भी अब नहीं जानते कि ये बेटा भारत की संविधान सभा का सदस्य था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव पेशे से वकील थे और इतने प्रख्यात वकील थे, इतने बड़े अंग्रेजी दान थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी, न केवल उसके सदस्य बनाए गए बल्कि उसकी जो मसौदा कमेटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का, उसके अध्यक्ष थे। अजमेर के लिए, राजस्थान के लिए इतने बड़े गौरव की बात है जो उसको कोई नहीं जानता। सब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं, लेकिन अजमेर का एक बेटा, राजस्थान का एक बेटा मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा का सदस्य रहते हुए संविधान को बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार करने में अमूल्य योगदान दिया, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। मुकुट बिहारी लाल भार्गव 3 बार अजमेर से सांसद रहे, 52 में 57 में और 62 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। बाद में 1967 में उनके भतीजे पंडित विश्वेश्वरनाथ भार्गव जीत गए और फिर उसके बाद में पंडित विश्वेश्वरनाथ भार्गव एक बार और जीते और वो 71 में भी सांसद बने। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के समर्थक भार्गव लोकसभा में प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी पहचान रखते थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने उन्हें सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, जहां चेचक से पीड़ित होने के बाद इलाज के अभाव में वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। लेकिन काबिलियत और याददाश्त को देखते हुए उन्हें संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया। भार्गव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय के साथ बैठक कर हमारे देश के संविधान को बनाया। आज उसी संविधान के बल पर हमारा महान देश संवैधानिक कहलाता है। जो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि आजादी की लड़ाई के दौरान जब वो जेल में थे, अजमेर जेल में चेचक फैली और उनकी आंखें चली गई। नेत्रहीन मुकुट बिहारी लाल भार्गव जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में खड़े होते थे तो वे आंखों से देखने के बिना बताते थे कि फलाने सन के फलाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में या कि प्रीवी काउंसिल के फैसले में फलाने पेज पर यह वाक्य लिखा है, और जस खोल के देखते आश्चर्यचकित होते थे। तो एक नेत्रहीन व्यक्ति इस तरह वकालत करता था, इस तरह उसने संविधान की रचना में योगदान दिया। 3 बार वो सांसद रहे लेकिन उनके नाम को कोई लेने वाला, उनको याद करने वाला, यहां तक कि अजमेर में उनकी प्रतिमा है शायद, और उनके नाम पर कचई रोड का नाम करने की बात भी भाजपा और कांग्रेस के बीच फुटबॉल बन गई। ऐसा लगता है कि जैसे वो भाजपा के नहीं थे, कांग्रेस के थे, जबकि वो देश की आजादी की लड़ाई के सेनानी थे। अजमेर ही नहीं, प्रदेश के जन जन के दिलों में रहने वाले भार्गव का 18 दिसंबर 1980 को जयपुर में निधन हो गया। उनकी शख्सियत ही थी कि डाक विभाग ने 2003 में उन पर ₹5 मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया। ऐसे व्यक्तित्व को हमारा देश पूरा सम्मान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन टीवी न्यूज़।